हेलो गाइस, आज हम बनाएंगे मिस्सी रोटी विद भिंडी करी। तो ये हमारे लिए ये हमने रखा हुआ है अपना भिंडी करी बनाने का, और ये मिस्सी रोटी का इंग्रेडिएंट्स हम आपको पहले मिस्सी रोटी के लिए बताएंगे कि हमें क्या क्या चाहिए। तो हमें चाहिए 1 कटोरी आटा, फुल 1 कटोरी आटा चाहिए, हाफ कटोरी ये हमें ओट चाहिए और हाफ कटोरी ही बेसन चाहिए। और ये हमारे पास ये थोड़ी हरी धनिया हमने छोटी काट के रखी है, प्याज छोटी कटी रहेगी, छोटे छोटे टुकड़े, जीरा और ये हरी मिर्च। इन चीज़ों को हमें मिक्स करना है। थोड़ा हमने इसमें नमक और हल्दी डालनी है थोड़ी, और इनको अच्छे से मिक्स करके अच्छा डो बनाना है रोटी बनाने के लिए। और हम अब बनाएंगे ये भिंडी करी का आपको बताते हैं। तो हमें इसके लिए भिंडी चाहिए, इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे और इसको आधा बीज से कट कर लेंगे। इसमें हम हल्दी, नमक और ऑयल लगा के रख देंगे, इसको मैरिनेट कर देंगे। और उसके बाद इसको जब हम मसाले में डालेंगे, इसको हम पहले शैलो फ्राई कर लेंगे। मसाला बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कटोरी प्याज, आधी कटोरी टमाटर कटे हुए, और उसको तो ग्राइंड ही करना है, हमने ये उस हिसाब से रखा है कि हमें आइडिया रहे कि कितना आपको हम बता सके डालना है। तो ये 1 कटोरी प्याज हो गई और 1 कटोरी आधी कटोरी टमाटर हो गई। ये हमारे पास 4 से 5 लहसुन के पीसेज हैं और 2 टुकड़े हमारे पास ये देखिए अदरक है और 2 हरी मिर्च डाली हमने। और हमने इसमें हमने डाल देना है नमक, हल्दी, इसमें धनिया थोड़ा हमने डालना है, जो भी जितना भी आपको मसाले तैयार करना है, जितने ही भी मेंबर के लिए आपको बनाना है, आप उसी हिसाब से चीज़ों को बढ़ा घटा सकती है। तो अब हम जो है, और इसमें लास्ट में हमने गरम मसाला ऊपर डालना है। ठीक है, अब हम इसको बनाएंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं बनाना इसको। तो हम सबसे पहले ये ऑयल डालेंगे इसमें, हमें ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है। हम इसमें ये एक ये फुल स्पून ये डालेंगे, और ये एक 2 स्पून ये हमने 2 बड़े चम्मच ये जो है इसको ऑयल डाल दिया, गरम होने देंगे। अभी हम ये इसमें थोड़े से मिक्स मसाले होते हैं पंचफोरन बोलते हैं, इसमें मेथी, जीरा, करायल, अजवाइन, ये सारी चीज़ें हैं। तो हम इसको इसमें डाल देंगे, तेल हो ही गया है हमारा, ये चीज़ें डाल दें। इसके बाद जो ये हमने मसाला रेडी किया था, ये मसाला बना हुआ है, इसको हमने इसको इसमें धीरे धीरे। ये हमने इसमें मसाला डाल दिया, जब हम इसको मसाले को ग्राइंड कर रहे थे तभी हमने इसमें हल्दी, नमक और धनिया पाउडर इसमें हमने मिक्स कर दिया था, प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक के साथ ही इसको भी हमने ग्राइंड करने में डाल दिया था। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए बंद कर देंगे। और इधर हमारा ये हल्का ये हमने कढ़ाई गरम कर ली है, और अब हमने ये जो भिंडियाँ रखी थी मैरिनेट करके, तो इसमें हमने हल्दी, नमक और ऑयल डाला था, तो इसको हमने जो है सिर्फ शैलो फ्राई करना है, इसलिए अब हमने इसको इसमें डाल देना है। कढ़ाई में कोई तेल नहीं डालना है हमने ज़्यादा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी तेल हमने मैरिनेट के टाइम डाल दिया था, तो ये हमारा शैलो फ्राई हो रहा है, शैलो फ्राई होगा जब तक ये हमारा मसाला ग्राइंड होगा। अब हम इसको ये हमने तवा रखा हुआ है, हमारा तवा गरम हो गया है। अब हमने ये रोटी जो हमने मिस्सी रोटी का आटा था उसको सबको हमने ये अच्छा सा ये डो बना लिया, अब ये हमने एक रोटी तैयार कर ली है। तो ये हमारे पास ये रोटी मिस्सी रोटी तैयार हो गई है, अब हम इसको इससे डाल देंगे तवे पे। हम इसको धीरे धीरे धीमे आँच पे थोड़ा मीडियम आँच पे करके एक बार इसको पलट देंगे, फिर इसको धीमी आँच में सिकने देंगे। अभी सीखता रहेगा, और हमें हमारी भिंडी जो है फ्राई हो रही है, बहुत ज़्यादा इसको नहीं हम भूनेंगे, बस हल्का सा कलर हल्का ब्राउन आने के बाद हम इसको बंद करने वाले हैं, और इसको हम मसाले में डालेंगे। जब ये ग्रेवी हमारा तैयार हो जाएगा तो इसको हम डाल देंगे, बस ये हो गया।
इसको हम इसको फ्लेम ऑफ करने वाले हैं। ये ऑफ बंद कर दिए। अब ये धीरे धीरे इसका जितना कढ़ाई में हीट है उतने में ये हो जाएगा। इसको भी हम इसमें ही रहने देंगे। अब हम अपना मसाला इसको चेक कर लेते हैं। ये अभी पक रहा है, अभी थोड़ा इसमें 5 मिनट तक और इसको हम पकने देंगे। अभी हमारी रोटी जो है अच्छे से सिकेगी। इसको हम धीमी आंच में ही बनाएंगे। मिस्सी रोटी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती है, टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छी होती है। इसमें हमने बेसन, ओट्स और गेहूं का आटा जो मिक्स कर लिया, थोड़ा आप इसे भुना जीरा भी डाल सकते हैं। और सभी मूंग की दाल को भी आप बेसन की जगह गेहूं के आटे में मिला के मिस्सी रोटी बना लीजिए। अगर आपके पास धनिया, जो मैंने धनिया डाला हुआ है इसमें कटा हुआ, आप इसमें कभी मेथी डाल सकते हैं। मेथी का साग जो होता है, पालक की पत्तियाँ होती हैं, उनको थोड़ा डाल सकते हैं। तो उनका भी अच्छा है, टेस्ट वाइज अच्छा होता है, देखने में भी अच्छी लगती है। तो ये हमारी रोटी धीरे धीरे धीमी आंच में लो फ्लेम में इसको सेकेंगे। अभी हमारा ये मसाला 50% तक बन गया है, क्योंकि अभी भिंडी के साथ थोड़ा पकेगा मसाला। ये इसमें भिंडी के साथ भी बनना ज़रूरी है, इसलिए हम इसको भिंडियों को इसमें डाल देंगे। भिंडियों को निकाल लेते हैं, जो हमारा थोड़ा शैलो फ्राई हो चुका है। अब हम इसको इसमें डाल देंगे मसाला। अब इसको धीरे धीरे इसको हम पकने देंगे धीमी आँच में। अगर आपको ग्रेवी इतनी ही थिक अच्छी लगती है, आप इतनी ही रख सकते हैं। थोड़ा आपको पतली करनी है, थोड़ा और पानी थोड़ा ऐड कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। वैसे तो भिंडी की ग्रेवी इतनी ही अच्छी लगती है। लीजिए मिस्सी रोटी और भिंडी करी रेडी हो गया है। अब आप लोग इसको बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए। ये हमने इसमें गर्म मसाला थोड़ा डाल दिया है ऊपर। ये हमारे पास गरम मसाला है, इसमें हमने सिनेमन और ज़ीरा है भुना, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और ब्लैक पेपर, इसको हमने ग्राइंड कर लिया है। तो गरम मसाला बना लिया है। अगर आपका अच्छा लगता है तो आप डाल सकते हैं। और ये मिस्सी रोटी है, अगर आप बटर के साथ खाना चाहते हैं तो आप बटर डालिए, नहीं तो ऐसे ही खाइए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।